हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद अपन नोट्स ऑन जेन में। और आज हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, वेदर और क्लाइमेट अलग अलग टर्म्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन दोनों से होता क्या। वेदर एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जो अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो उसमें एक्सपर्ट्स वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तब भी हम वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं वेदर है क्या। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, विंड फॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। डे टू डे कंडीशंस, दिन डे टू डे, हर दिन की कंडीशन एटमॉस्फेयर की एक एक प्लेस में, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड स्पीड को रिस्पेक्ट हो यानी वो इंक्लूडेड है, तो इसको कहते हैं हम वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो इन सभी को एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, ये एक एक जैसा हर दिन नहीं रहता, ये टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में वो सूरज निकला रहता, लेकिन उसके बाद इवनिंग में क्लाउडी टेम्परेचर हो जाता है, क्लाउडी वेदर हो जाता है। अब हम ये ग्राफ देखते हैं। देखिए ये ग्राफ जो है वो 3 अगस्त से 9 अगस्त 2006 का है। 3 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 अगस्त को वो फिर से फॉल हुआ, 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 5 अगस्त को वो फिर से बढ़ गया, 6 अगस्त को फिर से घट गया, 7 अगस्त को बहुत बढ़ गया और 8 अगस्त को भी घटा, 9 अगस्त को भी बढ़ा। तो इससे क्या है कि वेदर जो है वो एक इतना कॉम्प्लेक्स फेनोमिनन है कि वो एक जगह टिकता नहीं है, वो बदलते रहता है डे टू डे। अब देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स क्या होते हैं। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। हर दिन टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे हमें ग्राफ में दिखाया गया है। ये इस पर्पज के लिए दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, मैक्सिमम थर्मोमीटर और मिनिमम थर्मोमीटर। ये यू शेप के होते हैं और ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नापते हैं। अब हम देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। फ्रेंड, ये जो क्लाइमेट है इसका मतलब है द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। एक एवरेज वेदर पैटर्न, वेदर तो रोज वेदर बदलता है, लेकिन क्लाइमेट में क्या है कि 25 ईयर्स का एवरेज वेदर पैटर्न से एवरेज निकाल ली, उसको कहते हैं हम क्लाइमेट। और अगर हम देखते हैं कि वो जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, तो हम इसे कह देते हैं कि यहाँ का हॉट क्लाइमेट है, गर्म गर्म जलवायु है यहाँ की। इफ यू फाइंड दैट टेम्परेचर एट अ प्लेस इज लो मोस्ट ऑफ द टाइम वी से इट वेट, तब हम इसको वेट कह देते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर गीला रहता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अब हम देखते हैं इंडिया के वेरियस रीजन का क्लाइमेट यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर से जो डिटरमाइन होता है कि वहाँ का कैसा वेदर रहता है। देखिए, रीजन इन केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो आपको ये दिखाया गया इतने ऊपर है और केरला साउदर्न मोस्ट पे है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होंगे। कश्मीर जो है वो मॉडरेटली हॉट है और वेट क्लाइमेट है, हॉट और वेट के बीच में रहता है, ना वो ज़्यादा गीला है ना वो ज़्यादा गर्म है। डेजर्ट क्लाइमेट इन राजस्थान इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये राजस्थान का जो टेम्परेचर, आप कभी गए होंगे, मैं तो गया हूँ। ये देखिए, ये राजस्थान जो हमारा स्टेट है वो उनमें रेगिस्तान पाया जाता है,
तो रेगिस्तान का मतलब है कि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है राजस्थान रीजन में। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि डेजर्ट का क्लाइमेट क्या है, हॉट और ड्राई है। और जो नॉर्थ ईस्ट का ये आपको ये नॉर्थ ईस्ट जो आपको सेवन सिस्टर्स दिखाए गए हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसे, वहाँ का है हॉट और वेट नहीं है, वहाँ का है वेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का। चलिए देखते हैं हम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जैसे हमने देखा कि हर जगह की कंडीशंस अलग अलग हैं, तो ऐसे ही एनिमल्स, जो एनिमल्स है, हम भी तो एक एनिमल है, तो एनिमल जो है वो अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं कंडीशंस में जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे बहुत कोल्ड और हॉट क्लाइमेट दोनों जगह पे वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, तो इनके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। ये किस प्रोसेस के देने, इवोल्यूशन, जो धरती पे हुआ। तो इस बारे में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम करेंगे पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट की बात। पहले देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पोलर रीजन्स में कनाडा, स्क्रीन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, इटली से कंट्री हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। अब हम देखते हैं पोलर रीजन्स। फ्रेंड्स, ये जो पोलर रीजन्स है वहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है। ये स्नो से कवर होते हैं और पूरे साल, मोस्ट ऑफ द ईयर, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ठंडा होता है। 6 मंथ्स के लिए सन सेट नहीं करता और 6 मंथ के लिए सन उठता नहीं, क्योंकि यहाँ से जब पड़ती है रोशनी तो वो पीछे तक नहीं जा पाती है, तो -37 डिग्री तक भी जा सकता है। तो ऐसे में इन रीजन्स के एनिमल्स की अडाप्टेशन होती हैं। अडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर, चलिए देखते हैं पोलर बियर के क्या अडाप्टेशन है। दे हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो एंड हेल्प्स इन कैचिंग देयर प्रे। वो वाइट है तो वो स्नो में तो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि स्नो भी वाइट होती है। उनके पास फर की 2 लेयर्स होती हैं उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए। अंडर द स्किन भी उनकी 1 लेयर ऑफ फैट है जो भी उनको बचाती है। उनके पॉज वाइड हैं, लार्ज हैं, जिससे वो आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है जिससे वे आराम से। और एक और एनिमल, ये ब्यूटीफुल बर्ड जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन भी वाइट है और वाइट बैकग्राउंड्स में वाइट होना बहुत जरूरी है जिससे वो आराम से छुप सके। इसके पास भी थिक स्किन है और लॉट ऑफ फैट है कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए। वी हैव सीन पेंगुइन्स हडल टुगेदर, दिस इज व्हाट दे डू टू कीप वार्म। वो अपने को वार्म रखने के लिए हडल्ड होती हैं, देखिए कैसे झुंड में रहती हैं। वो अच्छे स्विमर्स भी होती हैं, वो अच्छे स्विमर्स में होती हैं। उनके वेट फुट जैसे आपको ये दिखाए गए हैं। अदर एनिमल्स, कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे पोलर रीजन से बहुत सारे फिशेस पाई जाती हैं, मस्क ऑक्स हैं, रेनडियर, फॉक्स है, सील्स, वेल्स और बर्ड्स। फिश तो रह सकती हैं पानी में बहुत देर तक, लेकिन बर्ड्स जो होती हैं उनको वार्म रहना पड़ता है क्योंकि वो एंडोथर्मिक होती हैं। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जब विंटर आता है तो बर्ड क्या करती है, माइग्रेशन करती हैं। जब माइग्रेशन खत्म हो जाता है तो वो फिर से वापस आ जाती हैं। इंडिया जो है वो इन बर्ड्स की बहुत अच्छी, जैसे ये जो आपको साइबर क्रेन दिखाया गया है, ये साइबेरिया से आता है भरतपुर इन राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अडाप्टेशन। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के अराउंड, इक्वेटर ये आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है। इक्वेटर इन द कोल्डर मस्ट जनरली हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट मंथ में भी जनरली हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है और हॉट समर्स में
टेम्परेचर 40 डिग्री भी क्रॉस कर सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका। फ्रेंड्स, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो 6% है पूरी दुनिया का, लेकिन वो 50% से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ उसमें रहती है। तो हमने देख लिया है कि ट्रॉपिकल रीजन का जनरली हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि इसकी लोकेशन इक्वेटर के अराउंड होती है। और हमने ये भी देख लिया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स और आसाम में पाए जाते हैं। आसाम जो इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रेन एंड वार्म्थ, इट सपोर्ट्स इनॉर्मस वेराइटी ऑफ एनिमल्स। बहुत सारी वेराइटी होती है। अब हम कुछ की अडाप्टेशन देखते हैं। अडाप्टेशन फॉर इंटेंस फूड एंड कॉम्पिटिशन, यहाँ पर बहुत सारा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है और स्पेस कम है, तो इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स का क्या करते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन ही इट्स फीट टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। ये देखिए, ये रेड आइड फ्रॉग आपको दिखाया गया है, इसके ये आपको ये स्टिकी पैड दिख रहे होंगे, जिससे वो ट्रीज में चढ़ पाता है। मंकीज के पास, जैसे आपको पता है कि लॉन्ग टेल्स होती है, लेकिन जो वहाँ के मंकी होते हैं उनके पास और भी लॉन्ग टेल्स होती हैं। उनके हाथ पैर भी ऐसे होते हैं कि वो आराम से उनको पकड़ सकते हैं। अब ये देखिए, आपको ये कितना सुंदर बर्ड दिखा दे रहा है। और इसकी आप थोड़ी चोंच पर नज़र डालिए, ये जो इसकी चोंच है ये तो उसके पूरे जितना वो उसका शरीर है उसके बराबर ही है। As there is a competition of food, some animals are adapted to get food not easily reachable. Easily reachable नहीं है वहाँ पर food, इसीलिए कुछ animals adapted होते हैं कि जो जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते। एक example है the bird token, इसका नाम क्या है, token, इसको हम कहेंगे token। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके पास ऐसा token है कि ये आराम से अपना काम चला लेता है। टोकन है, ऐसी चीज़ है। और टोकन इसका क्या है, मैंने तो आपको ये याद करने, लेकिन इसकी स्पेलिंग है TOUCAN। तो इससे जैसे एक ट्री है, मान लीजिए ये एक ब्रांच है और वो यहाँ पे बैठा गया, ये तो है अच्छी मोटी ब्रांच है, ये देखिए ये ऐसी अच्छी मोटी ब्रांच है, लेकिन ये पतली है, ये इस पर बैठेगा तो ये ब्रांच टूट जाएगी और इस पे एक तो फल लगा है, तो ये क्या करेगा, अपनी लंबी सी चोंच निकालेगा और फल को तोड़ लेगा। तो इससे टोकन का काम चल जाएगा, वो वहां पर गया भी नहीं और उसने वो तोड़ लिया, क्योंकि इसका जो वेट है वो उसकी चोंच की वजह से भारी है। अब देखते हैं बिग कैट्स, जैसे बिग कैट्स तो आपको पता ही है, ये जो दिख रहे हैं आपको टाइगर और लायंस, तो इनमें क्या होती है, सेंसिटिव आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है और ऐसा स्किन कलर होता है जिससे वो छुप सकते हैं। एडाप्टेशन है ये इनका, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स से बचने के लिए ये है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग, देखिए इनके पास बहुत थिक स्किन होती है ये, और ये इनके पास स्ट्राइप्ड बॉडी होती है और सेंसिटिव हेयरिंग होती है। एक और स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है इसका, लायन टेल्ड मकाक, तो ये लायन टेल्ड मकाक है, इसको बियर्ड एप भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये इसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है और दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं, इसलिए इसको बियर्ड एप कहते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में रहता है। इसका मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि ये सिल्वर वाइट मेन यानी दाढ़ी, जो इसके चीक से लेकर इसके ये यहाँ गाल है और यहाँ इसके चीन है, ये यहाँ पर इसकी थुड्डी है, तो वहाँ तक उसके बाल पहुँचे हुए हैं। ये एक गुड क्लाइंबर है, जिससे वो अपनी मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ट्री पर ही बिताता है। और इट आल्सो सर्चेस फॉर बग और इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज,
ये इंसेक्ट्स की भी खोज करता है वॉक ऑफ ट्रेस के अंदर। एक और एग्जांपल है हाथी। अभी तक तो हमने विदेश से जानवरों की बात की जो ज्यादातर तो विदेश में मिलते हैं, हमारे देश में मिलते हैं, लेकिन ये जो टोकन वगैरह हैं वो उनका नेचुरल वहीं पे है। अब हम देखते हैं हमारा एलिफेंट। ये देखिए मैं आपको कलर मिटा देता हूँ। देखिए इसके बहुत सारी एडाप्टेशन है। इनफैक्ट हमने जितनी एडाप्टेशन अभी पढ़ी उनमें सबसे ज़्यादा इसके पास ही है। इसकी ट्रंक को देखिए, इतनी लंबी है, इससे इसकी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल है। इसके टस्क, ये आपको ये दूसरे हाथी के टस्क दिखाई दे रहे हैं, वो मॉडिफाइड टीथ है जिससे वो ट्रीज की बाक को काट सकता है। और इसके लार्ज ईयर्स हैं ऑफ एलिफेंट्स के, हेल्प्स टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत सॉफ्ट साउंड भी सुन सकता है। ये इसके आपको ये इतने बड़े कान दिख रहे होंगे, ये कान। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। लाइक अगर आपको अच्छा लगे तभी करिएगा, मतलब डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, ऐसे मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव सोम जैन।